हाँ नहीं हो रहा है मैडम। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आपने की थी ओला? स्कूटी है। हाँ क्यों स्कूटी पे नहीं चल सकते? जिसको भी ओला उबर रैपिडो ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, दोनों में मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, जिससे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। चालू कर दिया है, 5:44 हो चुके हैं, 99 पे अपनी बैटरी स्टार्टिंग कर दी है। और ये भैया हमारे सामने से आ रहे हैं, हमें जाना है नारायण सिंह सर्कल। बुक की थी क्या भैया? क्या ओला बुक की थी? नहीं नहीं भाई, मैं रात चलते किसी से पूछ लेता हूँ ओला बुक की थी क्या, क्योंकि भाई डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं तो यही निकल रहे थे भाई। हमने पूछ लिया इनसे, OTP कितना है भैया? 9 5 नारायण सिंह सर्कल जी। बैठो जी। स्टेशनरी की राइड करते हैं कंप्लीट और पेमेंट देखते हैं कितना मिलता है हमें। ये पेमेंट मिला है 104 रुपये का, इतना डिस्काउंट है और 8.3 किलोमीटर का ऑफ डिस्टेंस था। वहाँ पे मैं 5 मिनट वेट करूँगा, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट में राइड हमें कोई मिलती है तो ठीक है। रैपिडो, ओला और पोटर हमारी चालू है, ऊबर में हम राइड एक्सेप्ट नहीं करने वाले भाई। जब ओला हमें 10-11 रुपये किलोमीटर दे रही है मॉर्निंग टाइम में नाइट सर्च के रूप में, तो हम क्यों 6.5 रुपये में काम करने वाले हैं? हम वही 11-12 रुपये में काम करने वाले हैं। बार पूरे 1 घंटे और 3 किलोमीटर खाली आने के बाद में हमें रैपिडो में राइड मिली है भाई। मॉर्निंग में निकल तो आते हैं पर राइड नहीं मिलती ना, तब दिमाग ख़राब होता है। और मैं निकलता हूँ सिर्फ ओला के लिए। ओला में मुझे 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक अगर राइड मिले तो वो नाइट सर्च में काउंट होती है, इसीलिए मैं निकलता हूँ। मैं 1 घंटे और 3 या 4 किलोमीटर खाली निकल गया होगा सिर्फ ओला की राइड के लिए, बट हमें ओला में एक भी राइड नहीं आई। आखिरकार हमें रैपिडो चालू करनी पड़ी और फिर हमें राइड मिली है 13 किलोमीटर की, और लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। ये शायद मुहाना सब्जी मंडी के आसपास की लोकेशन है। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है भाई, ये पार्सल है भाई। ऊबर भी चालू कर रखी थी मैंने, मुझे अब पता चला है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया में आए और इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलमोस्ट है जो मैक्सिमम पार्सल जाते हैं। मुहाना सब्जी मंडी की है क्या? सब्जी मंडी की लोकेशन है क्या मुहाना की? मुहाना मंडी, हाँ। ठीक, पहुंच चुके हैं हम मुहाना सब्जी मंडी, और राइड को ड्रॉप करने के बाद में हमारे पास में पोर्टर का पार्सल आ गया है, जिसकी पिकअप लोकेशन है 2.3 किलोमीटर और 100 मीटर के समथिंग हम आ चुके हैं। मैडम पोर्टर में मेरे पास तो पार्सल पिकअप है, हाँ तो यहाँ तो मेरे यहाँ तो कैंसिल नहीं बता रहा है। ठीक है मैं देखता हूँ मैडम, या फिर आपके ऐप पे चेक कीजिए, मेरे यहाँ तो शेड्यूल में बता रहा है। ठीक है ठीक है मैडम, अगर शेड्यूल में हो तो कैंसिल कर दीजिएगा। ओके मैडम करवाता हूँ मैं। आपके पास से नहीं हो रहा क्या मैडम? नहीं नहीं आपसे भी नहीं हो रहा। मैडम मेरे यहाँ से होता तो मैं खुद ही कर देता ना। हाँ नहीं हो रहा है मैडम। ओला ने ले लिया है पीछे का लोकेशन और कस्टमर की पिकअप लोकेशन है उधर। आपने की थी ओला? स्कूटी है। हाँ क्यों स्कूटी पे नहीं चल सकते? नहीं चल सकते, बाइक है। हाँ बाइक के नंबर तो OTP 8319 ये लीजिए मैडम। पेटीएम क्या उबेर? 1 महीने से मैं चलाया नहीं, क्योंकि उसमें फेयर बहुत कम देता है, राइड बैक टू बैक देता है पर फेयर बहुत कम देता है, इसीलिए हमने ओला रैपिडो और पोर्टर बस ये 3 ही ऐप चला रहे हैं। इन 3 ऐप के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं अभी। ओला में फिर से एक राइड मिल चुकी है, सुबह से मैं चला रहा हूँ, जब से पोर्टर ओला और रैपिडो तीनों चालू है मेरी, और 80% राइड है जो ओला में ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट क्या कर रहा हूँ मतलब, पोर्टर का तो जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया था एक, और रैपिडो में राइड कम आ रही है और ओला में बैक टू बैक राइड आ रही है। 7896 बैठिए मैम। पेटीएम कितना हुआ? 26 मैडम की छोटी सी राइड और 26 रुपीज़ की करके कंप्लीट नेक्स्ट राइड के लिए हो जाते हैं तैयार। आगे रख लो डिब्बे को, तो आगे रख लो, आ जाए भाई। दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना जब तक, तो कहीं नहीं जाए सामान।
ओटीपी है 2739 2739 लो जी जल्दी पहुंचा देना। आज मैं जहां भी जा रहा हूं ऐसी लोकेशन पे फंस जा रहा हूं जहां से राइड मिलने का कोई चांस नहीं है। अब यहां पे कॉलोनी वगैरह सही है बट यहां पे राइड आई राइड आई राइड आई राइड आ गई राइड आ गई भाई। ये भी ओम कॉलोनी मतलब 1.5 किलोमीटर लेने जा रहा हूँ और 1.5 किलोमीटर जाएंगे, इसका मतलब है बैक टू बैक राइड आ रही है ओला में, तो यहाँ पे राइड आने का चांस है। बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम वेट करते हैं और टाइम हुआ है 10:37 और शायद अब ये आखिरी राइड रहने वाली है क्योंकि 33% हो गई है हमारी आज ओला की बैटरी। तो इस बार साथ दिया है रैपिडो, रैपिडो में 800 मीटर की पिकअप से आ गई है बहुत बढ़िया राइड जो हमें चाहिए थी भाई, उसी रूट की राइड मिल गई है। और ये है 16 किलोमीटर की और यहाँ के रास्ते भाई ऐसे खेत ही खेत है, यहाँ पर रास्ता मैप पर बता रहा है और बाद में जाके गली बंद निकल जा रही है, ऐसा सीन हुआ है यहाँ पर। बहुत मतलब 800 मीटर की पिकअप थी, इसमें मैं 1.5 किलोमीटर चल लिया जब जाके भाई मैं सही रूट पे आया। मतलब यहाँ तो एरिया ऐसा है मैप भी धोखा दे रहा है। जिस वहाँ चलना है अपन को मंगलम की बिल्डिंग है ना, रिद्धि सिद्धि स्वीट से पेपर में ही है, मतलब वही है चलना। हाँ कोई दिक्कत नहीं अपन को। ओटीपी 0067 0067 आ चुके हैं और राइड कर दी है अपन ने ड्रॉप। 145 रुपीज़ का पेमेंट बना है और हमें देखते हैं भाई कितना मिलता है। 8 रुपये डिडक्ट होने के बाद में हमारी राइड निकल के आती है 136 रुपये की जो थी 16 किलोमीटर की राइड। अब आज का कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं, 11:31 हो चुका है और साइड में लगा के देखते हैं भाई आज हमारी बाइक कितनी चली है। जी आज हमारी बाइक चल गई है 81.8 मतलब 82 किलोमीटर चल गई है और हमारा 18% बैटरी अभी हमारा ओला में बाकी है। ओला रैपिडो और पोर्टर चलाया था, पोर्टर में एक भी ऑर्डर नहीं किया है, ओला और रैपिडो चलाया है हमने। तो उसकी अर्निंग हो चुकी है रैपिडो में 318 की और अब बचता है हमारा ओला, ओला भी निकाल लेते हैं। 261 रुपये की हमारी ओला में हो चुकी है तो टोटल मिला के हमारा हो चुका है आज का 580 रुपये का। 5.5 घंटे में आज हमने 82 किलोमीटर अपनी ओला चला के कर लिया है, 580 रुपये का काम। और अब वक्त हो चुका है घर जाने का क्योंकि हमारी ओला में अब बैटरी डिस हो चुकी है 18%। जिसको भी ओला उबर रैपिडो ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, दोनों में मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से जिससे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।